आज का प्रातः क्लास है 10 जून 1966। ओम शांति। मुझ आत्मा को ये फुरना रहना चाहिए कि बाप को जरूर याद करना है, तब ही पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो ये है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद बुलाई देती है, दूसरी याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद करनी है याद करने की। अथवा बाप को दादा को याद करना चाहिए, ये है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है ना, मनमना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आवेगी। अपने को आत्मा नंगा समझो, अब हमको वापस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान करके ऊपर छत पर व यहाँ हाल में आकर बैठ जाए। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा ये ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना, बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद तुमको करनी पड़ती है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। कलयुग और सतयुग के संगम पर बस यही बेला है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कब आते ही नहीं, ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का ये दुश्मन है, इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और देखो कि कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी कट उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है, याद की पूरी कोशिश करनी है। अपना पूरा वर्षा पाने के लिए नर से नारायण बनना है, ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा।
भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो हमें ये लक्ष्मी नारायण बनना है, सो बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। माया तुमको बहुत बहुत सताएगी, बैठे बैठे मित्र संबंधी यादें बहुत याद आती रहेंगे। तो मेहनत सारी इसमें है, बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, धंधा दोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात बाप समझाते हैं याद की, शिव बाबा को याद करना है। इनका फोटो भी तुम न रखो, कोई भी देहधारी का फोटो नहीं रखना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल, अपने को आत्मनिश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर बहुत बहुत पछतावेंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई समय माया जोर से ऐसा थप्पड़ मारेगी, ऐसे थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कराए देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते, गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यही पतित दुनिया, बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे दूरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह तो तुमको जो चाहिए सो करो। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मन मनावत, तुम कहते भी हो हम कैसे पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बस। और तो कोई उपाय नहीं है पावन बनने का, कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, कहीं भी आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, याद के लिए कहा जाता है सहज याद। अपन से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को कितना याद करते हैं सारे दिन में। और तो कोई पाप नहीं करते हैं, आत्मा शरीर हो जाती है, बाकी तो दिन में तो बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। तो मेहनत करनी है याद की, यहां आते हो तो मेहनत करनी है। वायात संकल्पों को एकदम उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते। विकार में जाने वाले भी आए बैठ जाते तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते।
घर के खेती बाड़ी के ख्याल चलते रहते। 10 जून 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पीरियड। कब बच्चे याद करें पढ़ेंगे, कब गुरु की याद आवेगी, संकल्प चलता रहेगा तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत ना करने वाले बिघन डालते हैं। याद की इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर तो आधा कल्प के लिए निष्फर्ण हो जाते हैं। अब लौकिक बाप के फुरने और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भक्त घड़ी घड़ी कितना याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं, तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांतिधाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझा ही नहीं सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में भी माया बिघन डालती है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारी जो अलाय पड़ गई है वो चांदी की हो, तांबा, लोहा सब निकल जाएगा। गोल्डन एज से सिल्वर आने से भी दो कला कम हो जाती है। ये बातें सन्यासी आदि बिल्कुल नहीं जानते। वो तो अपने फॉलोअर्स को और ही नीचे गिराते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, ये गुरु आदि साहब हैं भक्ति मार्ग के, वहां नई दुनिया में तो गुरु होता नहीं है क्योंकि सदगति है। वो दुर्गति में करने वाले लोग हैं गुरु लोग। सदगति में सबको मैं ले जाता हूं, दुर्गति में तुमको ये गुरु लोग ले जाते हैं। ये कभी तुमको सदगति दे न सके। वो तो कहते हैं, हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। बुद्धि भी कहती है कि भक्ति मार्ग में कोई जान ही कैसे सकते, उनको तो दुर्गति में जाना ही है। ये सब बातें तुम सुनते हो और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर। बार बार कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे, मुझे बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चों, वो तो निराकार में आत्माओं को कहेंगे, ये भी साकार में तुम आत्मा ही कहते हैं। ये आत्माएं बाप को याद करो। बाप कहेंगे, मुझे याद करो। मूल बात ये है, कोई भी आवे उनको पहले पहले ये बोलो कि अलफ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो।
यही अंदर में घोटना है कि हम आत्मा हैं। गाते भी हैं तुलसीदास चंदन घिस हैं तिलक देत रघुबीर। अब ये तिलक कोई स्थूल तिलक थोड़े ही है, तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय की यादगार है। याद करते रहते हो गोया राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे, राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बता दे, बस सिर्फ ये याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हमको बाप से वर्षा लेना है। आत्माएं उनको बाबा बाबा कहती आई है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा भी बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वो ऊंचे से ऊंचे बरसा देते हैं। इनके बाजू में आए बैठते हैं गुरु, अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखलाते हैं ना, ये भी बाजू में बैठा हुआ है। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपन को आत्मा समझते हो, परंतु वहां बाप को नहीं जानते हो, अपने को जरूर समझते हो। हम आत्मा ये शरीर छोड़ती है फिर दूसरा लेना, ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। भारत की सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वो हैं योगी और यहां हैं ये भोगी। योगी पवित्र होते हैं, वहां रावण राजी ही नहीं तो भूत का काम कहां से आएगा। आयु ही बड़ी रहती है, यहां आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है, वहां अकाल मृत्यु होती नहीं है। तो बाप कहते हैं पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना। तुम बहुत गरीब हो इसलिए बाप को तरस पड़ता है, तुम बुढ़ियों कब जाऊं आदि को कब जाऊं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुबजा कहा जाता है, बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तो मुझे कोई पूछे कहाँ जाते हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। वो झूठी गीता पाठशालाएं तो ढेर हैं, ये है सच्ची पाठशाला। वहां तो पुस्तक बैठ करके पढ़ते हैं, पहले नंबर की झूठ भी कृष्ण भगवान वाच,
यहाँ तो वो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। इस बात पर अभी कोई ने पूरा समझाया नहीं है, एक भी नहीं निकला है। प्रदर्शनी पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं, अच्छा प्रभावित हुआ। प्रदर्शनी पर कितना खर्चा तो करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मतन में आया हुआ है, उससे ईश्वर का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वो नहीं करते, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है। ओम शांति।